हाँ जी, क्या हाल है सबके? अरे क्या हाल है जी सबके? कैसे हो सब लोग? मित्रों, कैसे हो? जिंदगी के मजे ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? जिंदगी के मजे ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? मजा आ गया? किसने मजा आ गया? क्या हो गया ऐसा मजा आने लायक? बोलो, अभी तो क्लास शुरू भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है कुछ। पहले मजे आ गए तुम्हें? मिर्जापुर से है कोई भाई लोग? अरे, कालीन भैया के हो क्या तुम? वहां से हो गया तुम? कालीन भैया के वहां से हो क्या? हाँ जी, तो शुरू किया जाए आज का कार्यक्रम। बच्चे बड़े कम आ रहे हैं, क्या बात है? क्रेज कम हो रहा है क्या? क्या हो गया भाई, सुमित सर का क्रेज कम हो रहा है क्या? है? अरे, अभी तो बहुत ऊपर जाना है, अभी से क्रेज कम कर दोगे क्या तुम? सर मॉर्निंग में घर पे पिट गए तो रोशन जी क्या करें। चले जी, तो भाई स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो भाई नमस्कारम, गुड मॉर्निंग। मैं सुमित कुमार, अन अकेडमी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। मंडे टू फ्राइडे हम 8:30 मिलते हैं, करंट अफेयर डिस्कस करने, न्यूज़पेपर एनालिसिस डिस्कस करने। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं, न्यूज़पेपर एनालाइज भी करते हैं, कुछ हॉट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी डिस्कस करते हैं। तो भाई ये सब चीज़ें करते हैं, 8:30 बजे अपनी मुलाकात होती है। आज बच्चे थोड़े से कम आए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया है, वीडियो को शेयर कर दिया है। नहीं करा है तो कर दो ताकि सारी जनता आ जाए। चलिए जी, वही रोज की तरह वही शुरुआत क्विज के साथ। उस मिनिस्ट्री का नाम बताओ जिसने अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च करा है, आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करा है? जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट आंसर चाहिए, आंसर चाहिए फटाक से फटाक से। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। ये मैंने आपसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो सिर्फ टॉप है, लेकिन मैंने टॉप 3 पूछे थे। आपको बताना है कि लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ई वेस्ट कौन सा कंट्री है एज पर यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 में सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री ने ई वेस्ट जनरेट करा? तो आंसर इज चाइना। एंड आपको बता दूं, सेकंड पे इज यूनाइटेड स्टेट्स एंड थर्ड पे इज इंडिया। पहले पे चाइना, दूसरे पे यूएस एंड थर्ड पे इंडिया। ई वेस्ट, ई वेस्ट, बहुत ही बढ़िया। आगे आगे आगे, नाफ्टा, ये मैंने क्लास में कराया था, नाफ्टा नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कौन कौन सी कंट्री के बीच एग्रीमेंट है? मैंने कहा था नॉर्थ अमेरिका की तीन मेजर कंट्रीज, मैंने कहा था नॉर्थ अमेरिका की तीन मेजर कंट्रीज, यूएसए, मेक्सिको, कैनेडा, इन तीनों के बीच का। तो फाइव, ऑल ऑफ द ऑप्शन, ऑल 1 2 3, यूनाइटेड नेशन, मेक्सिको मेक्सिको कैनेडा, ये मैंने कराया था। बहुत ही बढ़िया। लद्दाख ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, फूड सिक्योरिटी स्कीम। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है लद्दाख का। भाई लद्दाख आपको पता है कि अभी अभी नई यूनियन टेरिटरी बना है, तो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा ही। तो मैंने आपको कश्मीर का पहले ही बताया था, JNK का मुरमुरु साहब है। तो आपको बताना लद्दाख के कौन है, आपको बताना है लद्दाख के कौन है। तो लद्दाख के कौन है? राधा कृष्ण माथुर साहब।
लद्दाख कौन है? राधा कृष्ण माथुर साहब एंड गिरीश चंद्र मुर्मू किसके हैं? जे एंड के हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। देखो मैं आपको बता दूं, सब लोग ना एमैनुअल मैक्रोन को जानते हैं। सो भाई साहब एमैनुअल मैक्रोन इनके प्रेसिडेंट, इनके प्राइम मिनिस्टर नहीं, इनके प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो भाई साहब इन्होंने किसी को अपॉइंट कराया भी एसपीएम, तो कौन है? जैन कास्टेक्स, जैन कास्टेक्स, सुमित नांगल, ये नागल, सुमित नागल, ये कौन से खेल से एसोसिएटेड है? सुमित नागल कौन से खेल से एसोसिएटेड है? पेपर में बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे। तो ही इज एसोसिएटेड विद टेनिस, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, कौन सी स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, जिसने लीड ई पोर्टल लॉन्च करा है? पहले तो लीड के फुल फॉर्म देख लो, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। तो आपको इसी से पता लग गया कि आंसर क्या है। जिसको फुल फॉर्म पता है उसको आंसर पता है, जिसको फुल फॉर्म पता है उसको आंसर पता है, ठीक है। हाँ तो जी, कौन से उसने, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली लीड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कौन सी सिटी में लोकेटेड है? ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कौन सी सिटी में लोकेटेड है? जल्दी 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 जल्दी, वेरी गुड वेरी गुड, कोलकाता, कोलकाता, बहुत ही सही। क्वेश्चन करके जोश आ जाता है, बढ़िया नहीं, क्वेश्चन करके मस्त एकदम जोश आ जाता है, सही कह रहा हूं। चलो बहुत ही, और टाइम से आया करो सारे बच्चे, टाइम से आया करो। तो भाई चलो, सॉरी सो सॉरी, चलो ये तो फोटो चेंज करने का वक्त आ चुका है। अपना वॉच टाइम अब 30 डेज का 2 मिलियन हो चुका है, फॉलोअर्स अपने 6 के हो चुके हैं। तो भाई सबसे पहले तो थैंक्स टू अन अकेडमी। देखो अन अकेडमी में टीचर बहुत ही टॉप टॉप है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मेरा सारा क्रेडिट जाता है अन अकेडमी को। आज जो भी मैं, जितना भी फेमस हूँ, जितना भी लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो कि 2 मिलियन वॉच टाइम लास्ट 30 डेज में है, बहुत बहुत टॉप लोगों की नहीं है। सो पॉइंट इज कि ये सब क्रेडिट अन अकेडमी को है, मुझे अन अकेडमी ने बनाया, सो लिटरली थैंक्स टू अन अकेडमी। तो भाई जो मेरे बारे में नहीं जानते, हम सुमित कुमार, वन ऑफ द टॉप एजुकेटर इन एनडीए एयरफोर्स सेक्शन वाई कैटेगरी। बहुत सारा बच्चा मुझसे पढ़ रहा है, ये कुछ मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। आपको देखने हो तो अगर आपको अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो सुमित कुमार 9 आप कोड यूज कर सकते हैं, फ्लैट आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा जीएस क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। आपको पता है कि 2 बैच कोर्सेज स्टार्ट हुए थे, 2 बहुत बड़े बैच कोर्सेज, बहुत ही जबरदस्त बैच कोर्सेज स्टार्ट हुए थे। इसमें मेरी फोटो नहीं, इसमें भी जीएस में पढ़ा रहा हूँ, दोनों में जीएस में पढ़ा रहा हूँ। एंड इसकी क्लासेज 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है, एंड वी आर डन विद मॉडर्न हिस्ट्री, एक क्लास बची मॉडर्न हिस्ट्री की। एंड 14 तारीख यानी कल से, 14 जुलाई यानी कल से आई एम स्टार्टिंग विद व्हाट, वर्ल्ड ज्योग्राफी। मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ 14 जुलाई से, ठीक है जी। तो भाई साहब जिसको भी ज्योग्राफी पढ़नी है, बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़नी है वर्ल्ड ज्योग्राफी, मुझसे पढ़ने बहुत बच्चा आता है, बहुत फैन है वर्ल्ड ज्योग्राफी का मेरा। तो 14 जुलाई से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही है वर्ल्ड ज्योग्राफी की। मैं टेलीग्राम पे लिंक भी डलवा दूंगा, जिसने अभी तक अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है ले लो, वर्ल्ड ज्योग्राफी कल से शुरू कर रहे हैं। एंड मॉडर्न हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर दिया, आज आखिरी क्लास बची है। ये अपना यूट्यूब चैनल है लर्न विद सुमित, इस परिवार को भी आप बड़ा करें, यहाँ पे बहुत कुछ चीजें चल रही हैं, आप सबको पता ही था, ठीक है। यहाँ पे लाइव क्लास का अब रेगुलर शेड्यूल आ चुका है, रोज सुबह 9:30 बजे, जैसे अपनी ये वाली क्लास खत्म होगी जहां पे अभी भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, इसके क्लास खत्म होते 15 मिनट के गैप के बाद 9:30 AM मैं यहाँ पे लाइव आता हूँ, लर्न विद सुमित यूट्यूब चैनल पे लाइव आता हूँ। यहाँ पे मैं जीएस करा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने दो बांट लिए, दो दिन यहाँ पे हिस्ट्री कराऊंगा, 2 दिन ज्योग्राफी कराऊंगा, 2 दिन करंट अफेयर कराऊंगा पुराने वाले, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वीक से मैं यहीं पे वर्ल्ड हिस्ट्री कराने वाला हूँ, मैं यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर लेना लर्न विद स्मिथ यूट्यूब चैनल को। 7:15 बजे अपने विकास सोनी सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, ये भी बहुत ही बड़ी बेहतरीन क्लास चलती है, आप जरूर आना है अभी। इसके अलावा जो भी हम ये करंट अफेयर्स कर रहे हैं ना, इसकी समरी मैं डालूंगा अपने इस पे, अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित पे। आज समरी डल जाएगी पार्ट वन, मतलब टोटल तीन समरी डालूंगा मैं जुलाई की, जो 10 तारीख तक हुआ था, उन सबको समराइज करके मैंने इस वीडियो में बना दिया, वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, एडिट भी हो चुकी है, आज डाल दूंगा मैं, ठीक है। ऐसे ही 10-10 दिन की समरी तीन में डालूंगा, तो ऐसे एक महीने के करंट अफेयर की 3 वीडियोस, लगभग 25 मिनट का टाइम रहेगा, टोटल 75 मिनट में आपका उस महीने का करंट अफेयर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 आज रिलीज हो जाएगा लर्न विद सुमित यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये चैंपियनशिप दी थी, जिसने चैंपियनशिप दी थी एक बार सारे के सारे बच्चे अपने कमेंट में आंसर लिख दो, सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट में वो लिख दो, अपने मार्क्स लिख दो, कितने किसके कितने मार्क्स आए हैं। देखो इसमें बच्चों के ना 500 प्लस भी आए हैं, 400 प्लस की तो लिमिट ही नहीं है, यकीन मानो टॉप 50 में से
अगर अन अकेडमी प्लस पे के बच्चे 30 थे तो 30 में से 25 से 26 बच्चे तुम्हारे सुमित सर से ही पढ़ रहे थे, ठीक है। टॉप 10 में भी 6 बच्चे थे। सो पॉइंट इज कि बहुत ही बेहतरीन ये चैंपियनशिप रही है, जिसके मार्क्स कम आए हैं बाई चांस या उतने नहीं आ पाए हैं एज पर हिज और मतलब हर मतलब ऑब्वियसली हिज एक्सपेक्टेशन, तो घबराए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मेरे कहने पे एक चीज करना, इन टेस्ट को रेगुलर देना और अपना ग्राफ प्लॉट करना है कि भाई साहब पहले टेस्ट में इतना है, अगले में इतना है, अगले में इतना है। मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो पढ़ के कितना क्या क्या हो रहा है, ठीक है। ये जीएटी का स्कोर बता रहा हूं मैं, ये जितने भी 500 प्लस 400 प्लस ये सिर्फ जीएटी का स्कोर है, आउट ऑफ 600 स्कोर बता रहा हूं मैं। मैथ का अलग है मामला, बहुत ही बेहतरीन। चलिए जी, तो आज का पेपर शुरू करें। अच्छा यार, मुझे आपसे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। इतने टाइम से काफी इग्नोर करा मैंने, लेकिन नहीं, द हिंदू न्यूज़पेपर के ना पहले पेज पे ना ये लिखा होता है, द हिंदू न्यूज़पेपर आपने देखा भी होगा, बहुत टाइम से मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं आ रहा है, मैं नहीं फॉरवर्ड करता हूँ, कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता है। उसका रीजन ये है कि द हिंदू न्यूज़पेपर ने कैंपेन चला रखी है कि देखो, वैसे तो द हिंदू न्यूज़पेपर का आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अगर आपको उसको पढ़ना है तो, है ना। जैसे मैंने ले रखा है तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है अगर आपको उसको पढ़ना है तो, राइट है। लेकिन अब क्या चलता है, टेलीग्राम पे सब कुछ मिल जाता है, राइट। तो लेकिन अब ये चीज प्रोसेस नहीं चलने वाली है, अब द हिंदू न्यूज़पेपर के खिलाफ कैंपेन चला रहा है, एंड विद टाइम ये ना थोड़ा सा वो भी करेगा, मतलब एक्शन लेना स्टार्ट करेगा जो इसके न्यूज़पेपर को फॉरवर्ड करेगा ऐसे। तो मैंने सोचा है कि एक काम करते हैं ना, ऐसे पंगे में क्यों पड़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल डिस्कस करने लग जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस इज ऑल इक्वली गुड, एंड उसका ई पेपर फ्रीली अवेलेबल होता है पब्लिक डोमेन में, इसका ई पेपर फ्रीली अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक काम करते हैं ना, इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कस करने लग जाते हैं। मतलब पॉइंट है, मैं तो डिस्कस कर सकता हूँ, मैं कोई कॉपीराइट का वायलेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर आपको न्यूज़पेपर फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो वो कॉपीराइट का वायलेशन है। तो अब मैं द हिंदू का आर्टिकल डिस्कस करूं और आपको पढ़ने को इंडियन एक्सप्रेस बोलूं, वो थोड़ा ठीक नहीं होगा। तो मैं सोच रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल डिस्कस कर लिया करूंगा और इंडियन एक्सप्रेस आपको ग्रुप पे भेज दिया करूंगा, आप वो पढ़ लो और वही डिस्कस कर लो, क्या कहते हो, सही रहेगा? अगर आप सब फेवर में है तो ये कर लो। तो कल से मैं इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर डिस्कस करूंगा, ये सारी चीजें मैंने सोची, ठीक है। द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस दोनों इक्वली गुड है। मैं तो द हिंदू भी कर सकता हूं, लेकिन आप द हिंदू पढ़ नहीं पाओगे, बिकॉज आपके पास ई पेपर में अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा, बिकॉज मैं ई पेपर अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। मैं तो करा सकता हूं, ठीक है। एक दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं तो द हिंदू न्यूज़पेपर ही डिस्कस करूं और आप जो पढ़ना है वो पढ़ो, आप जो पढ़ना है वो पढ़ो, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी है, अब मैं एक पोल डालूंगा टेलीग्राम पे, अपना जो टेलीग्राम चैनल है लर्न विद सुमित का, अपनी लगभग 5,500 की फैमिली हो चुकी है लर्न विद सुमित के टेलीग्राम पे, मैं पोल डालूंगा आज, ठीक है। उससे बता देना आप कौन सी चीज चाह रहे हो, कि आप द हिंदू ही चाह रहे हो और पढ़ाई अपने आप कर लोगे, या फिर मैं द हिंदू डिस्कस करने लग जाऊं, ठीक है, उस पर करेंगे। तो चलो जी, अब बहुत बातें तो बहुत हो गई है, पढ़ाई भी कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो ध्यान से पढ़ो भाई। एक बात ध्यान से नोट करने वाली है, रिपोर्ट्स बताती है जिस तरीके की मूवमेंट चाइना ने करी है अलग अलग जगह पे अगेंस्ट इंडिया, ये सब वेल प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट थी बाय पीएलए। पीएलए स्टैंड्स फॉर पीपल लिबरेशन आर्मी, ठीक है। गलवान में जो हुआ, पेंगोंग लेक में जो हुआ, ये पहले से ही बिल्कुल प्लान्ड थी, ठीक है। सो ये रिपोर्ट्स आ रही है और बिल्कुल हाईली कोऑर्डिनेटेड थी चीज, ये उसको बिल्कुल हाईली कोऑर्डिनेटेड चीज। तो अब ये रिपोर्ट आ रही है कि भाई साहब ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, मतलब जी जिनपिंग साहब ने प्रॉपर ऑर्डर दिए थे इन सब चीजों के, ठीक है। ये अब इंडियंस, मतलब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो पॉइंट इज कि भाई साहब कुछ तो खिचड़ी पक रही है वहां पे। अब चाहे इसका रीजन कुछ भी हो, इसका रीजन ये बिल्कुल हो सकता है कि जी जिनपिंग अपनी वहां पे वो करना चाहते हैं, अपनी पोजीशन स्ट्रोंग करना चाहते हैं, एक नेशनलिस्ट की भावना पैदा करना चाहते हैं।
लेकिन इंडिया के लिए खतरे की घंटी बन चुका है बहुत ही बड़ा चाइना। अब इसको डील करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज चाइना इकोनॉमिकली हम चाइना को साइड कर नहीं सकते। तो भाई साहब मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, बट जितना जो मैं देख पा रहा हूं मैं वो देख पा रहा हूं कि आने वाला समय बहुत बुरा है। चाइना के साथ बहुत जबरदस्त क्लैशेज अपने होने वाले हैं। बहुत बड़ी बात नहीं होगी, जैसे सिचुएशन आज पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे है वैसी सिचुएशन चाइना इंडिया में बन जाए, ठीक है, क्योंकि हम भी झुकने को तैयार नहीं है। एंड चाइना एक्सपेंशन करने की बात कर रहे हैं, मतलब जब प्लैंड तरीके से चीजें हो रही है तो बहुत ही खतरनाक चीजें बता रहा हूं मैं। आज के न्यूज़पेपर में तो भाई साहब ये जैसे ही कल मैंने न्यूज पढ़ी थी हंस हंस के पागल हो गया मैं। तो क्या ये इस टाइप की एक्टिविटीज आपके अकॉर्डिंग सही है? आपको क्या लगता है जो ये हो रहा है ये सही है? भाई सचिन पायलट राजस्थान के डेप्यूटी सीएम, उन्होंने बोला है कि मेरे पास 30 एमएलए का सपोर्ट है। अगर 30 एमएलए ने सपोर्ट खींच लिया तो भाई साहब राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट गिर जाएगी। यही सेम काम ज्योतिराज सिंधिया ने करा था, कहां पे? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी और किसकी आई? बीजेपी की आई। सेम राजस्थान में हो सकता है। अगर ऐसा हो गया जो मुझे लगता है काफी हद तक हो जाएगा, बिकॉज अपने मोटा भाई जिंदाबाद। लेकिन यार ओवरऑल ना ये चीज सही नहीं है। एक देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी खराब है कांग्रेस अच्छी है, मैं इस टाइप की बातें नहीं कर रहा हूं। मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं कि भाई साहब ऐसी सिचुएशन होना, किसी एक पार्टी की इतनी बड़ी मोनोपोली बन जाना डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। और इस टाइप से एमएलए, मतलब पहले वो कांग्रेस से लड़े हैं, अब वो छोड़ के इधर आ रहे हैं, मतलब भाई ये बहुत ही खतरनाक चीज है, ठीक है। मतलब हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस मुझे खराब होते हुए दिख रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा मतलब आज हमें सोचने की जरूरत है कि एग्जैक्टली हमारी इंडियन पॉलिटिक्स जा कहां रही है। चलो देखते हैं, मेरे हिसाब से कल या परसों तक ये न्यूज आ जाएगी, ठीक है, कि भाई क्या होने वाला है इसमें, फाइनली ये उधर हुए शामिल नहीं हुए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं कहूंगा दिस वुड बी अ वेरी सैड थिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारी पॉलिटिक्स के लिए, हमारे डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। तो चलिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जो भी होगा आपको मैं न्यूज पढ़ाए दूंगा। अगर बाई चांस ये हो गया तो आपको एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ा देंगे, नहीं हुआ तो भाई साहब नहीं पढ़ाएंगे एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। चलिए जी, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, बट उसके अलावा जो मैंने अलग से पॉइंट्स लिए उनमें बहुत कुछ चीजें हैं। देखो भाई साहब, कोरोना के केसेस 30,000 तक आने लग गए हैं, ठीक है, मतलब 25,000 के ऊपर तो नॉर्मल हो गया है। तो सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, एक मतलब हम 9 लाख पे पहुंच जाएंगे आज, 9 लाख केसेस इंडिया में, 9 लाख केसेस। एक रिपोर्ट की कुछ स्टडी आई थी अभी 2-4 दिन पहले, उसने बताया था अगर और 3 महीने तक वैक्सीन नहीं बनी तो अपने दिसंबर तक सबसे ज्यादा बुरी हालत पूरे वर्ल्ड में इंडिया की होगी, एंड इंडिया में सबसे ज्यादा केसेस होंगे इंडिया में, ठीक है। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होने वाली है जो भी ये दिख रहा है। अब बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं, जब भी मैं ऐसी ऐसी चीजें करता हूं बच्चे कहते हैं सर आप हमें बताओ क्या एनडीए होगा। तो भाई साहब मैं इसलिए ये डिस्कस नहीं करता हूं कि बच्चों एनडीए नहीं होगा या एनडीए होगा, मैं ये नहीं करता हूं, मैं आपको बस ये अवेयर करना चाहता हूं कि सिचुएशन बहुत खराब है, अपना ध्यान रखो। एनडीए जब भी होगा हो जाएगा, हम तो तैयारी कर रहे हैं, एनडीए जब भी होगा हो जाएगा, दोबारा एक दूसरे फेज में हम घुस रहे हैं। अब अलग अलग जगह पे लॉकडाउन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, बेंगलोर में 21 दिन का लॉकडाउन, यूपी में अभी पिछले आपने देखा होगा 3 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, और भी अलग अलग जगह है, आंध्र प्रदेश के कुछ जगह पे। भाई साहब मतलब पूरा देश तो लॉकडाउन में नहीं, बट एरिया वाइज दोबारा लॉकडाउन में जाने चीजें स्टार्ट हो चुकी है। सो यू नेवर नो कब क्या हो जाए, किस हिसाब से क्या हो जाए।
मैं इस न्यूज़ से सिर्फ आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोविड केयर फैसिलिटी दिल्ली में प्रेजेंट है और उसका नाम सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर है। पता नहीं मुझे ऐसी फील क्यों आ रही है कि भाई साहब पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, या तो कहाँ पे लोकेटेड है ये आएगा, या फिर उसका नाम क्या है ये आएगा। इसके अलावा प्लाज्मा बैंक वाला भी पेपर मुझे क्वेश्चन, मतलब लग रहा है इन पॉइंट्स में से एक चीज तो आनी चाहिए कि पहली स्टेट कौन सी बनी है या इंडिया की पहली वो कौन सी बनी है, प्लाज्मा बैंक वाली। ये मैं बहुत बार कवर करता आया हूँ, बस इससे मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहता था कि लगातार न्यूज में है, पता नहीं फील है कि पेपर में आएगा। यहां से तो भाई मैं आपको कुछ और ही दिखाना चाहता था, चाइना ईरान। भाई साहब चाइना का गेम तो कुछ अलग ही लेवल पे चल रहा है। आप सबको पता है ईरान एंड यूएसए में इश्यूज चल रहे हैं, मतलब थोड़े टाइम पहले वाली सिचुएशन याद करो तुम, मेरे हिसाब से 5 महीने पहले चले जाओ तो वहां पे सिचुएशन उस टाइम पे ऐसी थी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है, एंड वो क्यों थी वो सिचुएशन, ईरान और यूएस के बीच के जो जितने भी टेंशन हैं उसके लिए सिचुएशन थी। यहाँ पे एक तरफ पूरे वर्ल्ड को यूएस से अपील कर रहा है कि आप ईरान के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, एंड उसमें इंडिया भी शामिल है। ईरान इंडिया का लार्जेस्ट लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री हुआ करता था, यहां से ऑयल एक्सपोर्ट करते थे ईरानी एंड हम तक आता था, लार्जेस्ट था लार्जेस्ट, ठीक है, कभी रैंक 1 और रैंक 2 चलता रहता था, मतलब समझ लो कितने ज्यादा डिपेंडेंट थे। आज के टाइम पे हम ईरान से नेगलिजिबल पेट्रोल मतलब ऑयल खरीद रहे हैं, क्यों, बिकॉज हमने ईरान और यूएसए में से चुना है किसको, यूएसए को। लेकिन आज के टाइम की सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि ईरान को हर कंट्री छोड़ रहा है, मतलब हर कोई भी कंट्री सपोर्ट नहीं करना चाह रहा है सच। तो ऐसे में कुछ कंट्री जो कि यूएसए के अगेंस्ट है, जैसे सबसे सबसे बेहतरीन बात क्या है, सबसे बेहतरीन बात क्या, कौन सा कंट्री, चाइना। चाइना ने बोला कि टेंशन मत लो ईरान, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। चाइना ने बोला टेंशन मत लो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। नागेंद्र सिंह राठौर जी, वो इतनी बड़ी न्यूज बनी नहीं है, जैसे वो बड़ी न्यूज बनेगी मैं जरूर डिस्कस करूंगा। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, ये आप देख पा रहे हो ईरान, ये ईरान देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे आप, ये रहा ईरान, ठीक है। सबसे पहले तो इस बात का जायजा ले लो कि ईरान भी एक अच्छा खासा बड़ा कंट्री है, देख रहे हो क्या कहाँ कहाँ पे। अब जब ईरान इतना ज्यादा न्यूज में है तो ईरान के बॉर्डर्स भी आपको पता होना चाहिए किस किस के साथ लगते हैं, जैसे ईरान का बॉर्डर इराक के साथ लगता है, टर्की के साथ लगता है, ठीक है, अजरबैजान के साथ लगता है, इधर तुर्कमेनिस्तान के साथ लगता है, इधर अफगानिस्तान के साथ लगता है, इधर पाकिस्तान के साथ लगता है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ये वाला देखो, ये वाला पॉइंट देखो ध्यान से, व्हाट इज दिस, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मतलब क्या, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मतलब क्या, स्ट्रेट क्या होती है, दो दो बॉडीज के बीच में, दो लैंड बॉडीज के बीच में एक वाटर बॉडी इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये बड़ा ही खतरनाक इशू है भाई। आप देखो कि पूरे इस रीजन में कुछ भी जो ऑयल का ट्रेड होना है, ऑयल यहां से निकलेगा, एक यही रास्ता है जहां से ऑयल निकल के अलग अलग कंट्रीज में जा सकता है, वरना उसके अलावा फिर और मतलब दूसरे रास्ते बहुत महंगे पड़ते हैं, ये है, तो वाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाता है। तो भाई साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है तो इस पे ईरान का कब्जा है, तो भाई साहब अगर ईरान में कोई भी दिक्कत करता है भाई साहब ये हॉर्मुज पे को ब्लॉक कर देता है, तो वर्ल्ड का 1/3 ऑयल ट्रेड यहां से हो रहा है और ईरान इसको ब्लॉक कर देता है ना बेटा, तशरीफ मिल जाते पूरे वर्ल्ड में ऑयल प्राइजेस की, ठीक है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज आपको पता होना चाहिए, ईरान की सिचुएशन की आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैं जब ये खोला हुआ है ना तो एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, मेरे पास पैसा हो तो मैं क्या करूंगा बाबू, देखो ये मैनमेड है, आप देख रहे हो क्या, ये दीज आर मैनमेड। जब पैसा इतना ज्यादा हो ना तो ऐसे उड़ाते हैं लोग, दीज आर मैनमेड। और दिखाऊं, ये देख लो ये मैनमेड है, तो सोच रहे हो द पाम नाम है इसका, सोच रहे हो क्या होता है, कितना पैसा, कैसे कैसी चीजें होती हैं, और कहाँ है, मुझे और नहीं दिखाई दे रहे, और भी हैं भाई, पाम आइलैंड्स, ठीक है,
प्रॉपरली मैनमेड नहीं है ये, ठीक है, लेकिन हाँ इधर भी कुछ तो होना चाहिए। देख लो एक्स्ट्रा पैसा हो तो क्या होता है। अरे और भी थे, मुझे और दिख नहीं रहे। ये देख लो, ये देख लो, देख रहे हो तुम, इतना पैसा चाहिए हमें, इतना पैसा हो जाए अपने पास और क्या ही चाहिए फिर अपने को। नहीं चलो जो भी है, मुझे क्या, मुझे आपको क्या दिखाना था, मुझे आपको ये दिखाना था कि ईरान की लोकेशन कहाँ है। जब भी कोई कंट्री न्यूज में आए प्लीज आप थोड़ा जाके एक बार देखा करो, उसको मैप पे निहारा करो, उसकी कैपिटल देखा करो, करेंसी देखा करो, आसपास के कंट्रीज देखा करो, आसपास की कंट्रीज देखा करो, ठीक है, प्लीज देखा करो प्लीज। कंबोडियन, कंबोडिया कंट्री है, कंबोडिया, सबसे पहली बात तो कंबोडिया कहां पे ये मुझे बता दो, कौन से कॉन्टिनेंट में। कंबोडिया कंट्री है, वहां की एक एनजीओ है, ठीक है, जिनको अवार्ड मिला है डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड, डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड। इन्होंने क्या काम करा था, ठीक है, पहली बात तो इनके एनजीओ का नाम देख लो, खाना, ठीक है, खाना। सो पॉइंट इज इसने क्या करा था, स्मार्ट गर्ल चैट लाइन। भाई व्हाट्सएप पे एक चैट लाइन स्टार्ट करी थी, जैसे ही मान लो किसी को, मान लो किसी लड़की कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है, कोई वॉयल किसी भी टाइप का कुछ भी हो रहा है, ठीक है भाई साहब, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे उस व्हाट्सएप चैट को स्टार्ट कर देगी एंड विद इन 24 आवर्स वहां से रिस्पॉन्स आ जाएगा। मतलब कोई भी जेंडर बाइसनेस हो रही है, ठीक है, फीमेल के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, तो भाई साहब ये इस चैट लाइन से विद इन 24 आवर्स उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। अब सबसे पहली बात तो कंबोडियन एनजीओ को ये अवार्ड मिला है, तो डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। कौन देता है, वर्ल्ड बैंक एंड SVRI। SVRI स्टैंड फॉर सेक्सुअल वॉयलेंस रिसर्च इनिशिएटिव, मैंने कहीं लिखा भी होगा, हाँ ये लिखा हुआ नीचे, सेक्सुअल वॉयलेंस रिसर्च इनिशिएटिव, ठीक है। तो डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड क्या है, ये एक एनुअल ग्लोबल कॉम्पिटिशन है जिसके अंतर्गत कुछ कैश रिवॉर्ड वगैरह भी दिया जाता है रिसर्च को। मतलब पॉइंट इसकी कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन अगर कोई निकाल रहा है सोसाइटी के लिए जेंडर बेस्ड वॉयलेशन के लिए, तो ये डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड दिया जाता है, ठीक है जी। कौन देता है, वर्ल्ड बैंक एंड SVRI मिलकर देते हैं, बहुत ही सुंदर। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को रिन्यू करा है, ठीक है, IEA के साथ। सबसे पहली बात तो ये है क्या, ध्यान से समझने की कोशिश करो। पहली बात तो ये मेमोरेंडम किस लिए था या ये डील किस लिए थी, जो भी बात है, ठीक है। तो भाई साहब मतलब जितनी भी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंडर कंट्रीज आती हैं, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है भाई साहब, वो सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़े, सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ, क्लीन एनर्जी की तरफ, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनकी तरफ आगे बढ़े एंड जो अपनी स्टैंडर्ड चीजें चलती आ रही थी उनसे थोड़ा पीछे हटे, ठीक है। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको इसमें दो पॉइंट्स को जानने की जरूरत है, ADB एंड IEA, ठीक है। मतलब ये तो था करंट अफेयर कि भाई साहब क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ कौन से बैंक के साथ वो MOU है जिसमें वो सस्टेनेबल या फिर क्लीन एनर्जी की तरफ वो काम करते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा ADB। लेकिन इसका स्टैटिक पोर्शन क्या हो जाएगा कि भाई साहब IEA के बारे में आप जान लो, व्हाट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये क्या है, आपको नाम से समझ में आ रहा है, एनर्जी एजेंसी ये कुछ नए नए सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी को लेके काम करती है, ठीक है। जो भी OECD कंट्री होती हैं, OECD स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, यही कंट्रीज IEA का पार्ट बन सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा और या फिर जो इसी के जो ऑब्जर्वर मेंबर है वो बन सकते हैं OECD। तो सबसे पहली बात तो इसमें OECD जान लो, व्हाट एग्जैक्टली इज OECD, आपने नाम बहुत सुना होगा, OECD स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है, नाम से समझ में आ रहा है, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। आज के टाइम पे टोटल 36 मेंबर कंट्रीज है, ये मैंने नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। OECD हेडक्वार्टर एट पेरिस, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, क्यों है जी, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, मेंबर कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट के लिए है मामला सारा है, ठीक है। तो OECD की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, OECD का हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, पर्पस पता होना चाहिए, पर्पस आपको पता होना चाहिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक
कब स्टेब्लिश हुआ, ये स्टेब्लिश हुआ, ये कम इंपोर्टेंट है, मेन इंपोर्टेंट क्या, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा शेयर स्टेक किसके हैं, जापान के एंड यूएसए के हैं, जापान के एंड यूएसए के हैं, उसके बाद चाइना, देन इंडिया। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का पर्पज क्या है, एशियन डेवलपमेंट का पर्पज है कि भाई साहब एशिया में डेवलपमेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एशियन कंट्रीज मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, ये लोन देता है फॉर मेनली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और मतलब जो भी चीजें हैं। ठीक है जी, मतलब कि जो काम कुछ कुछ वर्ल्ड बैंक करता है ना, पॉवर्टी घटाना, ये सारे काम, यही सारे काम एशियन डेवलपमेंट बैंक करता है एशिया में। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मनीला फिलीपींस। अच्छा, ये तरीका ठीक है ना, जो तरीका मैं करवा रहा हूँ कि स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करता हुआ चलो न्यूज को, देखो एक तरीका सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स की टॉपिक्स पढ़ा दो, लेकिन वो अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है, उसको स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करेंगे तभी जाके बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे थोड़े कम हो रहे हैं, जैसे आज 320-30 तक ही मैक्सिमम बच्चे गए हैं। ठीक है, वैसे मतलब मेरी उम्मीद थी कम से कम 400 बच्चे होने चाहिए। ठीक है, लेकिन 400 बच्चे नहीं हो के उल्टा कम हो रहे हैं। तो अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आपको लगे कि मुझे कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो कि क्या इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, बच्चे कम हो रहे तो थोड़ा सा मेरे लिए भी वो है। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो। प्राइम मिनिस्टर ने, अपने प्राइम मिनिस्टर जी ने ई इनोग्रेट करी है 750 मेगावाट की एशियाज लार्जेस्ट पावर सोलर पावर प्लांट। बिकॉज ये एशिया की लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है, दैट इज वाई इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पेपर में क्वेश्चन सिटी से भी पूछ सकता है, पेपर में क्वेश्चन स्टेट से भी पूछ सकता है, स्टेट से भी पूछ सकता है। टाइम की वजह, टाइम क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? टाइमिंग 8:30 ठीक नहीं है? यार मुझे तो 8:30 ज्यादा ठीक लगती है। आप किस टाइम चाहते हो? देखो 9:30 बजे तो अपनी वो क्लास चल रही है, उसको फिर 10 करना पड़ेगा अगर इसको आप 9 करोगे तो। जिसने जीएस, जो मेरे साथ प्लस पे नहीं है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जीएस पढ़े मुझसे। आशीष शर्मा, लर्न विद सुमित यूट्यूब चैनल पे जुड़ जाओ, वहां पे पुराने करंट अफेयर्स भी शुरू करवा रहा हूं मैं और यहां भी है ये। देखो पहले इस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। देखो 750 मेगावाट की एशिया का लार्जेस्ट है, तो कहां पे लोकेटेड है? तो भाई साहब रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट, ये भाई साहब मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। मुझे लगता है पेपर से क्वेश्चन आ, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कौन सी स्टेट में है, ये आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इंडिया वर्ल्ड्स एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट, वर्ल्ड्स एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट मतला राजापक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रन नहीं करेगा। तो पहली बात तो इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करो, इन चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करो कि भाई साहब ये है क्या। पहली बात तो इस एयरपोर्ट को मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं, मतला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैं आपको इसकी स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस समझाना चाह रहा हूं, दैट इज व्हाई स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस समझाना चाह रहा हूं मैं। बहुत ही जबरदस्त चीज समझाऊंगा, ध्यान से सुनना क्या कहना चाहता हूं मैं, जो बहुत ही जबरदस्त चीज समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना भाई। ये है अपना श्रीलंका, श्रीलंका की पहले तो लोकेशन देख लो और अब पर्टिकुलरली इस एयरपोर्ट की लोकेशन देख लो, ध्यान से सुनना। यहां पर है ये हम्बनटोटा, हम्बनटोटा जो पोर्ट है, इस पोर्ट को चाइना ने 99 इयर्स के लिए लीज पे ले लिया था। इस पोर्ट को चाइना ने 99 इयर्स के लिए लीज पे ले लिया था, ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त खेल रहा है चाइना। पहले चाइना को, चाइना ने श्रीलंका को लोन दिया, लोन दे दिया, अब श्रीलंका वो लोन चुका नहीं पाया, तो भाई साहब कोई बात नहीं, ये हम्बनटोटा पोर्ट हमें दे दो 99 इयर्स के लिए। अब इस हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना किसी भी तरीके से यूज कर सकता है, अपना यहाँ पे मिलिट्री बेस बना सकता है, पता नहीं क्या क्या कर सकता है। ठीक है, चाइना कुछ भी कर सकता है यहाँ पे। तो अब ये सबसे सबसे बड़ी दिक्कत किसके लिए है? ये सबसे बड़ी दिक्कत इंडिया के लिए है। ऐसे ऐसे स्टेप लेके चाइना पूरा जो ये रीजन है ना, ये जो इंडियन ओशियन रीजन है, यहाँ पे कब्जा करना चाहता है,
और इससे दिक्कत यूएसए को भी है, बाकी सारी कंट्रीज को भी है भाई। ऑलरेडी जो इधर साउथ चाइना सी है वहां पे तो ये इश्यूज कर ही रहा है ऑलरेडी, साउथ चाइना सी में तो ऑलरेडी इश्यूज कर ही रहा है। अब ये इंडियन ओशन में, जैसे आपको पता है इसने मालदीव के साथ भी सेम करा है, मालदीव में तो यही कर लिया, एक आइलैंड टेरिटरी इसने अपने कब्जे में कर ली, सेम यहाँ पे करना चाह रहा था। तो हमने क्या करा था, हमने सोचा था कि हम चाइना पे हम नजर कैसे रखें कि भाई साहब ये यहाँ पे इस पोर्ट पे क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा है, कौन कौन से मतलब इसने अपने आर्मी व्हीकल्स नेवी व्हीकल्स तैनात कर रखे हैं, इसका हमें जायजा होना चाहिए। इसके लिए हमने बोला कि जो हम्बनटोटा एयरपोर्ट है ना, इसको हम ऑपरेट करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्ट हम करेंगे, जबकि एकदम खाली एयरपोर्ट है, कोई ट्रेवल नहीं करता, दिस इज वर्ल्ड एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट। लेकिन क्यों चल रहा है, बिकॉज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसकी। हमने बोला हम इसको और एयर वो करेंगे, हम इसको संभालेंगे, इसको मैनेज करेंगे, इसको डेवलप करेंगे। इसके पीछे हमारा हमारी वजह क्या थी, इसकी वजह इसके पीछे हमारा रीजन था कि हम चाइना पे नजर रखना चाह रहे थे। बट फाइनली आज इस डील से इंडिया बाहर, बिकॉज बहुत ज्यादा नुकसान का सौदा था, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ मतलब ये खत्म हो गया, डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट निकाला जाएगा, बिकॉज इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, इसमें पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व होता है, इसमें पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व होता है, खासतौर से यूएसए। यूएसए देख रहा है कि अगर इंडियन ओशन में इसका कब्जा हो गया तो भाई साहब ट्रेड तो यूएसए का भी हैम्पर हो रहा है। तो मतलब चाइना की पॉलिसी देखो, ये डेब्ट ट्रैप वाली जो पॉलिसी है बहुत ही खतरनाक है। तो आपको पता होना चाहिए मतलब राजापक्षा एयरपोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, आपको ये बात पता होना चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी आगे आगे बढ़ते हैं। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर डे है। मुझे इसमें आपको ये बात बतानी थी और एक होमवर्क भी देना था। एज पर रिपोर्ट्स, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट, इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर में सब कुछ आ जाता है, सी एनिमल सब कुछ आ जाता है, ठीक है, जो केकड़े वेकड़े खाते हैं। अगर फिश की बात करो तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट। मुझे फर्स्ट और सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीज के नाम जानने हैं फिश प्रोड्यूसिंग में मुझे जानने हैं। दिव्यांश उपाध्याय रुक जाइए, बता दूंगा मैं, ठीक है जी। चलिए जी, आज के उसमें काफी इंटरेस्टिंग बातें मैंने आपको बताई। एक बात तो सबसे पहले आप याद रख लो, 9:30 पे आप लोग मुझे मिल रहे हो मेरे लर्न विद सुमित यूट्यूब चैनल पे। टेलीग्राम पे लिंक ऑलरेडी डाल चुका हूं मैं, एक बार दोबारा अभी डाल रहा हूँ, टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल चुका हूँ, दोबारा अभी डाल रहा हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, यहाँ ना मिले तो आप सीधा सीधा जाके सर्च कर लो, कहाँ पे सीधा सीधा जाओ और सर्च कर लो, ठीक है, टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। ये देखो टेलीग्राम पे ऑलरेडी डल चुका है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास के लिए डल चुका है, 9:30 बजे है, 9:30 बजे है, डल चुका है, ठीक है जी। वहां पे आ जाना आप, डेली क्विज के वही कुछ क्वेश्चन जो कल डिस्कस करो। कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव मोडी ये स्टार्ट करा एंड ग्रीवेंशियल प्रोजेक्ट रिसेंटली, कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने स्टार्ट करा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, इंडिया की रैंक सेल्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कितनी है, ठीक है, स्वीडन की रैंक 1 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, बेसिकली गोल्स सेट करे थे 2030 तक जो हमें अचीव करने हैं, ठीक है, तो उसमें हर कंट्री क्या परफॉर्म कर रहा है उसके रैंक निकाले जाते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंडिया की रैंक क्या है, आपको बता दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, अपने एम्बेसडर दिया मिल जाए। ओफेक 16 मैंने आपको बताया था, स्पाई सैटेलाइट इंटेलिजेंस सैटेलाइट कौन सी कंट्री की है, ये किसने एक बुक लिखी है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सिवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट हस्ती थे, ठीक है, दैट इज वाई काइंड ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट बन गई है। कौन सी माउंटेन, अभी अभी मोदी जी वहां गए थे, क्या नाम है, लद्दाख गए थे, आप सबको पता है, ले गए थे, है ना, तो भाई साहब कौन सी माउंटेन रेंज पे गए थे वो, ठीक है, तो उस माउंटेन रेंज की लोकेशन भी हमें देखनी है, कल मैं मैप पे दिखा भी दूंगा इसको मैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, इंडियन रेलवेज ने टारगेट लिया है नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन, नेट जीरो कार्बन एमिशन, ठीक है, कार्बन एमिट नहीं करेगी रेलवे, ठीक है, तो कब तक का टारगेट है रेलवे का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, अच्छा ये तो रिपीटेड ही है। चलिए इसकी PDF मैं अभी डाल देता हूँ, उसकी टेंशन आप मत लो, PDF तो मैं डाल देता हूँ,
ठीक है, और वो पोल कर लेंगे हम टेलीग्राम पे, वो मुझे बता देना द हिंदू करें द इंडियन एक्सप्रेस करें, वो हम पोल कर लेंगे। प्लस वाले भी आएंगे क्या? नहीं, प्लस वालों को आने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट चाइना, सेकंड इंडोनेशिया, फिर फिश प्रोड्यूसिंग, वेरी गुड सर। मॉक टेस्ट कितने बच्चों ने दिया था? मॉक टेस्ट मैंने अनअकैडमी से पूछा था, मॉक टेस्ट ने कहा था कल कल ठीक है, कल तक 8,000 कुछ बच्चे, अप्रोक्सीमेटली 9,000 के आसपास बच्चों ने मॉक टेस्ट दे दिया था, ये उन्होंने अनअकैडमी से बात करी थी। हाँ जी, और कुछ बताओ? मेरी जीमेल आईडी में लिख रहा हूँ, अगर किसी को चाहिए हो तो कांटेक्ट करना हो तो sk.yadav9295@gmail.com। आशीष शर्मा, करंट अफेयर मेरे यूट्यूब पे चलेंगे, करंट अफेयर दूसरे टीचर प्लस पे पढ़ा रहे हैं, अगर आपको पढ़ना ही हो तो। मैं प्लस पे नहीं पढ़ाऊंगा करंट अफेयर, दूसरे टीचर जरूर पढ़ा रहे हैं। मेरे जीएस आप अगर प्लस पे है तो बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, आप सीडीएस प्लस में पढ़ाते हैं? नहीं, मैं भी सीडीएस में नहीं पढ़ाता, मैं अभी अभी के लिए एनडी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। बलिया साहू कर लेंगे डिस्कस, इतना मुझे लगता नहीं, अभी डिस्कस कर लेंगे, जो रशिया वाली जो आप बात कर रहे हो, रशिया के मैक्सिम का। ओके उत्कर्ष शर्मा जी, 11th क्लास की बनाऊंगा। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक चीज सोची है, एक चीज मैंने सोची है, आप लोगों की सजेशन चाहिए थी। मैंने सोचा है कि डेली या फिर एक दो दिन में ना ऐसे 7-8 8-8 मिनट की वो वीडियोस बनाया करूंगा मैं करंट अफेयर के इश्यूज पे। जैसे अभी आपको पता है कोवैक्सीन को लेकर चल रहा है कि 15 अगस्त से आएगी नहीं आएगी, इस चीज को लेकर वो चल रही है, काफी न्यूज में चल रहा है, तो ऐसे करंट अफेयर के टॉपिक्स को पूरा एक्सप्लेन करा करूंगा मैं, ठीक है? 2 दिन में, 1 दिन में, मतलब वीडियोस बनाता रहूंगा, ऐसी छोटी छोटी वीडियो, 7-8 मिनट की वीडियो, ताकि उस टॉपिक के बारे में आपको सब कुछ पता लग जाए, ठीक है? मान लो कोई भी कुछ भी हुआ, कुछ भी हुआ, सारी चीजों के बारे में ऐसे मतलब मैं लाया करूंगा। बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। नहीं, प्लस वाले चाहे ना आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस वाले चाहे ना आए, जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं वो जरूर आए। ये मैंने पीडीएफ डाल दिया अपने उस पे टेलीग्राम चैनल पे। टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ाऊंगा कभी भी मैं, टाइम्स ऑफ इंडिया इतना अच्छा नहीं है। बिल्कुल हो जाएगा सूर्य प्रताप जी। वर्ल्ड हिस्ट्री नेक्स्ट वीक से, बाकी 9:30 बजे आओ, लर्न विद सुमित पे बातचीत करो। अभी ये वाली क्लास खत्म करते, टाइम हो रहा है, मुझे भी 10 मिनट का गैप चाहिए, मुझे भी 10 मिनट का गैप चाहिए, ठीक है? 9:30 बजे लर्न विद सुमित यूट्यूब चैनल पे आओ, ठीक है? जिसके पास लिंक नहीं है मेरे टेलीग्राम में जाके लिंक ले लो, अभी अभी डाला है मैंने। इसके अलावा जिसके पास टेलीग्राम का लिंक नहीं है, वो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसको लिंक, या फिर सीधा सीधा अपने उस पे टेलीग्राम पे सर्च करो, तब भी मिल जाएगा। अभी के लिए क्लास खत्म करते हैं, चलो मिलते हैं जल्दी 9:30 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।